को मैं आज आपके लिए फिर लेकर आया हूँ चेस्ट का एडवांस लेवल का वर्कआउट। अपनों करने को क्या है, पहले अपने को करने इंक्लाइन डंबल प्रेस करने 4 सेट, रिपीटेशन होंगे आपके 10 से 15। बढ़िया वेट लेना है, जो कि मैंने पहला सेट लगाया है 25 किलो से और दूसरा सेट लगाया है मैंने 35 किलो से, जो कि दिखा रहा हूँ। ये मेरा तीसरा सेट है 40 किलो से इंक्लाइन डंबल प्रेस। वेट इतना लो कि अपने का मूवमेंट और पोस्चर नहीं बिगड़ना चाहिए। कोशिश करो कि आप सेल्प करो 3 सेट। अब ये मेरा चौथा सेट है जो कि 50 किलो ले रहा हूँ, और डंबल को आप उठाने का तरीका देखना, पैर से धकोलना है ऐसे करके, 8 से 10 रिपीटेशन लगाने अपने को लास्ट में, और बढ़िया लगने चाहिए आपका लास्ट का वर्कआउट। कोई अगर 1 या 2 रिपीटेशन लगे तो कोई टेंशन नहीं है, जिससे कि आपका फेलियर सेट हो जाए। सेट लगाने के बाद आप मोस्टली क्या करते हैं कि डंबल को गिराते हैं, कोशिश रहेगी कि आप डंबल को पैर पे होल्ड करो और फिर नीचे रखो, जिससे आपको और बेटर लगेगा। नेक्स्ट वर्कआउट अपना डिक्लाइन बेंच, इसमें भी आपको बढ़िया वेट लेना है, 3 सेट लगाने, रिपीटेशन चलेंगे 12 10 8। लास्ट के सेट में आप बढ़िया, अगर नहीं लगे तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। अपने को 12 10 8 ये सपोर्ट भी ले सकते हैं लास्ट में। ये नेक्स्ट वर्कआउट है अपना पेनाबार डिपिंग। इसके करने हैं अपने को 2 सेट तो फ्रंट साइड में करने हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ 2 सेट, रिपीटेशन होंगे वही आपके 10 से 15। फिर नेक्स्ट है अपने का अपोजिट साइड में करना है 2 सेट, वही रिपीटेशन होंगे आपके 10 से 15 10 से 15। इसके करने अपने को 2 सेट। फिर नेक्स्ट वर्कआउट है अपना केबल फ्लाई। इसको समझने का तरीका कैसा है कि 10 से अपने को केबल फ्लाई करनी है, नीचे ही लगानी है लोअर केबल फ्लाई, 10 रिपीटेशन लगाने हैं। फिर अपने को 5 रिपीटेशन करने केबल प्रेस के, 5 से रिपीटेशन। और इसके साथ में चलेगा अपना सुपर सेट, साथ में होंगे पुशअप, इनक्लाइन पुशअप। आप पैर को बेंच पे रख के नीचे पुशअप लगाना है फ्लोर पे, वही लगाने हैं अपने को 10 से 15 रिपीटेशन, बढ़िया निकल जाए 10 से 15। कोशिश करें कि आपका फेलियर सेट हो, इतना आप थोड़ा थोड़ा स्लो मोशन भी रख सकते हैं, 10 से 15 रेप लगने चाहिए। फिर अपने को करना क्या है कि चेस्ट को थोड़ा सी ब्रीथ को रोक के होल्ड करना है कम से कम 5 से 6 सेकंड तक। इसके करने अपने को